good morning class myself reyna nishad your science teacher this is your cover page of your book and today we continue our chapter number second seed germination and dispersal so bachcho reproduction in plants tak padhaya gaya tha isme aaj dekhna hai vegetative propagation so let's start. vegetative propagation is the process by which plants reproduce with their help of with the help of their body parts such as roots stem leaves and not through st सीड्स uh, तो देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमें ये क्या प्रोसेस है तो देखिए जब कोई प्लांट आपका रूट से जड़ से स्टेम तने से या पत्तियों से ग्रो करता है रिप्रोड्यूस होता है मतलब उसी से बड़ा होता है ऐसे प्रो, ऐसे प्रोपोगेशन को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं ठीक है थीके? ये जो प्रोपोगेशन होता है इसमें सीड की कोई ज़रूरत नहीं होती है तो देखिए इसमें प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बाय रूट्स दिया है कैसे अब हमें तीन चीज़ें पढ़नी है रूट से स्टेम से और लीव से नॉट सीड अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे सीड का पढ़ रहे थे कि सीड में डिस्पोजल कैसे होता है बाय विंड बाय वाटर एंड बाय एनिमल्स ठीक है तो अब हमें देखना है कि ये रिप्रोडक्शन जो है वो रूट्स स्टेम और लीव्स के थ्रू कैसे होता है द रूट्स दैट स्टो फूड इन दैम आ कैरेट टर्निप रेडिश एंड स्वीट पोटैटो दे आर स्वेलन स्वेलन बिकॉज ऑफ स्टोर्ड फूड एंड आर नोन एज ट्यूबरस रूट वेन दीज रूट्स आर इन सोयल दे गिव राइज टू न्यू प्लांट देखिए जैसे कि आपका आ, गाजर हो गया मूली हो गया स्वीट पोटैटो हो गया ये क्या है जैसे ये नीचे दिया हुआ ना, तो इन्हीं से ये ग्रो करते हैं ठीक है जब हम इसको रूट से ग्रो कर रहे हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या करते हैं ट्यूबरस रूट कहते हैं जो इसमें अपने आप निकल आती हैं वेन दीज रूट आर प्लांटेड जब हम इसे प्लांटेड कर देते हैं मतलब लगा देते हैं मिट्टी में तो ये एक नए प्लांट को ग्रो कर देती हैं आलू कभी भी बीज से नहीं उगाया जाता आलू को आलू से ही उगाया जाता है जब उसमें इस तरह के ग्रो हो जाते हैं जैसे कि आप आ, इमेज में देख रहे हैं जब इसमें इसी तरह का ये रूट अलग अलग अपना निकलने लगता है ग्रो करने लगता है तब तो हम इसको सॉइल में प्लांट कर देते हैं और ये एक नए प्लांट को जनरेट करता है या रिप्रोड्यूस करता है ठीक है रिप्रोडक्शन बाय स्टेम अब हमें स्टेम से देखना अंडरग्राउंड स्टेम आर ओनियन जिंजर एंड पोटैटो क्या है अंडरग्राउंड स्टेम्स में हम ओनियन ले सकते हैं जिंजर है, ले सकते हैं पोटैटो ले सकते हैं दे आल्सो हैव फूड स्टोर्ड इन देम इनको इनका जो होता है जैसे कि आप जान ही रहे हैं अदरक हो गया लहसुन हो गया ये सब क्या है एक स्टेम से मिल रहे हैं ठीक है दीज स्टेम बियर बर्ड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो इनके पास बड होता है जिससे कि ये मन्स ग्रो करते हैं रिप्रोडक्शन बाय लीव्स सम प्लांट्स हैव लीव्स विच डेवलप ऑन देयर मार्जिन देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके लीफ पे ही बड डेवलप होते हैं और उन्हीं से वो न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं बट, दीज बड्स डेवलप इनटू प्लांट्सलेट्स व्हिच लेटर सेपरेट आउट फ्रॉम द पैरेंट प्लांट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स देखिए जैसे कि आप देखेंगे कि हमें कभी कभी पत्तियों से ही को डेवलप करने का मतलब एक सिस्टम होता है उसी में हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं जैसे बोरीफाइलम एंड बेगोनिया प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन द इन दिस मैनर दो प्लांट्स के बारे में यहाँ पे दिया है बायरोफाइलम एंड बेगोनिया ठीक है तो इनको हम इसी तरह से लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग बहुत ईजी से ये सब जानते हैं जैसे कि रोज प्लांट होता है रोज़ को हम स्टेम से ग्रो कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे जो ऐसा जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग के नाम से जानते हैं इस प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग अ स्मॉल पीस ऑफ मेच्योर स्टेम क्या कौन सी स्टेम लेनी है मेच्योर स्टेम लेनी है विथ सम बर्ड्स ऑन इट जिसमें कि ऊपर कुछ बर्ड्स भी हों इज कट ऑफ फ्रॉम द पैरेंट प्लांट पैरेंट प्लांट मतलब एक बड़े प्लांट से हमें ऐसी स्टेम को कट करना है जो मेच्योर हो दिस पीस ऑफ स्टेम इज देन प्लांटेड इन टू द सॉयल एंड वाटर रेगुली फिर उसे हमें क्या करना है प्लांट करना है मतलब लगा देना है सॉयल में और वाटर देना है आफ्टर सम टाइम इट डेवलप रूट एंड बर्ड्स एंड ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट कुछ दिनों बाद यही क्या करेगा न्यू रूट्स को डेवलप करेगा और इसमें नए बर्ड्स ग्रो होंगे और एक नए प्लांट जन्म देगा प्लांट ग्रो इन दिस वे इंट्रोड्यू इंक्लूड रोज सुगर केन बोगनवेलिया कैक्टस एंड हेबेस्कस तो देखिए कुछ प्लांट्स के नाम दिए जैसे रोज शुगर केन गन्ना बोगनवेलिया एक फ्लावर प्लांट होता है कैक्टस और हेबेस्कस ठीक है ये प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम स्टेम रूट कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं सो आज के लिए इतना ही इसको आप अपने बुक से रीड करिएगा थैंक यू